हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रामभरत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, मोहनगर, गाजियाबाद। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर 7 ऑन यूनिट 3। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड फाइंड द मीन एंड वेरियंस विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड ऑल्सो वी लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्लियर? द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर दैट व्हाट इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्लियर? द मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन, द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए इज डिनोटेड वाई एम ए टी। क्लियर? और एम एक्स इज इक्वल टू ए टी एंड डिफाइन एज एम ए टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स माइनस ए। और दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स माइनस ए कैन बी पुट एज ई टू द पावर टी एक्स माइनस ए। ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर? Here we know that expected value of x have two value. The value of x ex is equal to pi into xi when x is discrete random variable and its value is equal to integration from minus infinity to plus infinity x into fx when capital X is continuous random variable. Clear? So now we can write this as the value of expectation of can be put as the summation pi e to the power t xi minus a for discrete random variable and its value is integration from minus infinity to plus infinity e to the power t x minus a into fx into dx for continuous random variables. Clear? Dx dx left here. Clear? So the movement generating function of random variable x about x is equal to a is denoted by mat or m x is equal to at and define as m at is equal to expected value of e to the power t x minus a or it can be put as e stand for expected value of e to the power t x minus a or
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स माने से हैविंग टू वैल्यू फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट्स वैल्यू इज इक्वल टू समेशन पी आई ई टू द पावर टी एक्स आई माइनस ए हियर पी आई द प्रोबेबिलिटी क्लियर एंड फॉर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इट्स वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ई टू द पावर टी एक्स माइनस ए इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स क्लियर नाउ एम ए टी इज समेशन पी आई ई टू द पावर टी एक्स आई माइनस ए क्लियर पी आई एज इट इज नाउ एक्सपेंड द एक्सपेंशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स माइनस ए विच इज वन प्लस टी एक्स आई माइनस ए प्लस टी स्क्वायर एक्स आई माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डॉट 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 टी टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर टी टू द पावर आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर प्लस वन डॉट 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 अप टू द इनफाइनाइट क्लियर नाउ वी मल्टीप्लाई समेशन पी इन ऑल द टर्म सो फर्स्ट टर्म बिकम समेशन पी आई एंड सेकेंड टर्म्स बिकम समेशन एंड टेक द टी आउट फ्रॉम दिस समेशन सो वी गेट पी आई इंटू एक्स आई माइनस ए प्लस सिमिलरली टेक द टी स्क्वायर बाई टू आउटसाइड फ्रॉम द समेशन सो वी गेट पी आई इंटू एक्स आई माइनस ए टू द पावर टू एंड शो ऑन सिमिलरली टेक टी टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल आउटसाइड फ्रॉम द समेशन सो वी गेट पी आई इंटू एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर क्लियर एंड अगेन टेक टी टू द पावर आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल आउटसाइड फ्रॉम द समेशन सो वी गेट पी आई इंटू एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर प्लस वन एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी क्लियर हियर सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज वन So this becomes 1 plus t. This is the term, the summation pi x I minus a can be put as summation pi because summation pi is equal to 1. So the whole terms becomes the moments take pi as a frequency. So this becomes first moments about an arbitrary number a clear plus again write the summation pi on the denominator again write all summation pi denominator on all the terms so this term becomes t square upon 2 factorial and this is the second movement about an arbitrary number and so on plus t to the power r upon r factorial this terms becomes mu dash r clear and t to the power r plus 1 upon r plus 1 factorial and this terms becomes mu dash r plus 1 and so on up to the infinity clear this is m naught where mu dash r is equal to summation pi x I minus a to the power r summation pi is rth moment about a point x is equal to a clearly we see that this is
AME. Clear? We see that MAT given by first generates movements, and that is why it is called movement generative function. It is called movement generating function. Generating function. Clear? From first d over dt m naught m a t is equal to mu 1 dash plus mu 2 dash into t plus mu 3 dash into t square by 2 dot 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 and d square over dt square m naught t becomes mu 2 dash plus mu 3 dash into t and so on. Now put t is equal to 0 in the above relation. So we get d over dt m a t at t is equal to 0 becomes mu 1 dash, and d square over dt square m a t at t is equal to 0 becomes m 2 dash t. This is the equation number second, and this is the equation number third. This becomes y equation second, and this is y equation third. Similarly, we can write d to the power r over d t to the power r m a t at t is equal to 0 becomes mu dash r. This is the movement about an arbitrary number. Again if we put a is equal to 0, then this becomes movements about an origin. So d to the power r over d t to the power r m naught t is equal to 0 becomes nu r, movement about origin. Clear? Method for finding mean and variances with MGF. Clear? Step first. First of all, we find m naught t. This becomes expected of e to the power t x. Clear? E to the power t x, expectation of e to the power 2 x having two value, its value the summation p I e to the power t x I, and its value is equal to integration minus infinity to plus infinity e to the power t x into f x into dx. This is for discrete random variable, this is for continuous random variable.
क्लियर। स्टेप सेकंड, आफ्टर फाइंडिंग एम नॉट टी, फर्स्ट वी फाइंड न्यू वन, न्यू वन मीन्स एक्स मीन डी ओवर डी टी एम नॉट टी एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड न्यू टू इज डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर एम नॉट टी एट टी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, वी हैव द रिलेशन, रिलेशन म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू प्लस एक्स बार स्क्वायर, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी फाइंड म्यू टू, म्यू टू इज इक्वल टू न्यू टू माइनस एक्स बार स्क्वायर। क्लियर। एंड वी नो दैट न्यू टू इज इक्वल टू वेरियंस, नथिंग इट इज द वेरियंस। क्लियर। सो वी कैन इजिली फाइंड मीन एंड वेरियंस विद द हेल्प ऑफ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन द एम जी पी। बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन एम जी पी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई दैट द गिवन रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। हियर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फोर एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, एंड द एफ एक्स हैविंग वैल्यू टू माइनस एक्स, फोर द एक्स हैविंग द वैल्यू बिटवीन वन एंड टू, एंड एफ एक्स हैव द वैल्यू जीरो इन एल्सवेयर। क्लियर। ऑल्सो डिटरमाइन न्यू वन, न्यू टू एंड म्यू टू। सो क्लियरली वी हैव द गिवन वेरिएबल एक्स इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्लियर। सो वी फाइंड मूमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एन ओरिजिन। सो मूमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय एम जीरो टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स माइनस जीरो। दैट मीन्स दिस बिकम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। क्लियर। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स माइनस ए हैविंग टू वैल्यू, बट हियर आवर रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स, दैट मीन्स ई टू द पावर टी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डी एक्स टू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। हियर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन इंटू थ्री पार्ट, सो वी ब्रेक दिस इंटीग्रेशन इंटू हियर। क्लियरली वी हैव दिस इज द रियल लाइन, जीरो द ओरिजिन एंड दिस माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। द वैल्यू दिस इज वन एंड दिस इज टू, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एक्स व्हेन द एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, द इंटरवल वन टू टू, द वैल्यू इज टू माइनस एक्स, एंड elsewhere means the value on the remaining part, that means fx is equal to 0 or the value of fx equal to 0. So we divide this integration minus infinity to plus infinity into four part, first part, second part, third part and fourth part. Clear. So now write
सो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी पुट एज एम नॉट टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड इन दिस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो सो ई टू द पावर टी एक्स इंटू जीरो इंटू टी एक्स प्लस एंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन द फंक्शन एफ एक्स हैविंग द वैल्यू एक्स e to the power tx into dx plus in the integration from 1 to 2 1 to 2 the function fx having value 2 minus x e to the power tx into dx and the interval 2 to infinity the integration 2 to infinity the function fx having the value 0 e to the power tx into 0 into dx. Clearly, the integration first, the first integration and the fourth integration become 0 because the function having the value 0. So, we can put this as m naught t is equal to integration 0 to 1 x e to the power t x into dx plus integration 1 to 2 2 minus x e to the power t x into dx. Clear? Now, integrate this by parts by taking the UV method. So, let us take the first term is u and second term is v. So, the integration becomes take u as x and integration of this with respect to x becomes e to the power tx upon t, clear, minus differentiation of this, differentiation of x is 1 and again integration of this e to the power tx upon t square in bracket close limit 0 to 1 plus again in the second integration take this term as u. So, this becomes as it is, clear. So, integration of e to the power t x upon t minus differentiation of first function, differentiation of u becomes minus 1, clear. And integration of this e to the power t x upon t, close the bracket and write the limit. Before putting the limit, first of all, be put in the simple way. E to the power t x upon t minus e to the power t x upon t square 0 to 1, clear, plus 2 minus x e to the power t x upon t minus minus plus e to the power t x upon t square 1 to t. Now, applying the limit, first we apply the upper limit. Upper limit is 1. So, put x is equal to 1. So, this becomes e to the power t upon t minus e to the power t upon t square upper limit minus lower limit. Lower limit is 0. Put x is equal to 0. So, first term becomes 0 minus e to the power 0 upon t square. Clear? Again, put the upper limit x is equal to 2 in this second part. So, this becomes first term becomes 0 plus e to the power 2 t upon t square upper limit minus lower limit is 1, put x is equal to 1. So, this becomes e to the power t upon t plus e to the power t upon t square, clear. So, this becomes e to the power t upon t minus e to the power t upon t square minus minus plus 1 upon t square plus e to the power 2 t upon t square minus e to the power t upon t minus e to the power t upon t square e to the power t upon t cancel out from this positive negative. So, this becomes e to the power t upon t square e to the power 2 t upon t square plus 1 upon t square
एज इट इज माइनस टू ई टू द पावर टी अपॉन टी स्क्वायर. क्लियर. टेक द टी स्क्वायर इज कॉमन, सो दिस बिकम्स ई टू द पावर टू टी प्लस वन माइनस टू ई टू द पावर टी वन अपॉन टी स्क्वायर. दिस बिकम्स ई टू द पावर टी माइनस वन टू द पावर टू. सो एम जी एफ इज वन अपॉन टी स्क्वायर ई टू द पावर टी माइनस वन टू द पावर टू. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. क्लियर. नाउ फाइंड द सेकेंड पार्ट. वी हैव एम नॉट टी इज इक्वल टू वन अपॉन टी स्क्वायर ई टू द पावर टी माइनस वन टू द पावर टू. नाउ दिस कैन बी पुट एज ई टू द पावर टी माइनस वन अप टी होल पावर टू. नाउ यूज द एक्सपेंशन ऑफ ई टू द पावर टी. सो दिस बिकम्स वन प्लस टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल टी क्यू अपॉन थ्री फैक्टोर डॉट 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 अप टू द इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन टी होल पावर टू. माइनस वन टू प्लस वन कैंसिल आउट. ठीक है. सो ओके क्लियर. एंड डिवाइड न्यूमरेटर बाई टी. सो वी गेट वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इन टू टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी. क्लियर. एंड द वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स वन प्लस टी स्क्वायर एंड ऑल द हायर ऑर्डर टर्म ऑफ टी. सो नाउ वी पुट एज ऑर्डर ऑफ टी हायर ऑर्डर ऑफ टी. ऑर्डर ऑफ टी मीन्स हायर ऑर्डर टर्म ऑफ टी. क्लियर. प्लीज नोट दिस अ नोटेबल पॉइंट. नोट इट. नाउ डिफरेंशिएट फर्स्ट टाइम्स डी ओवर डी टी एम नॉट टी बिकम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू टी जीरो प्लस वन डिफरेंशिएट टू टी प्लस ऑर्डर ऑफ टी. नाउ अगेन डिफरेंशिएट सेकेंड टाइम ऑफ एम नॉट टी बिकम्स जीरो प्लस टू प्लस ऑर्डर ऑफ टी. क्लियर. नाउ फाइंड हियर न्यू वन डी ओवर डी टी एम नॉट टी एट टी इज इक्वल टू जीरो. सो दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ एम नॉट टी इज दिस पुट टी इज इक्वल टू जीरो. सो वी गेट ओनली वन. क्लियर. एंड न्यू टू डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर एम नॉट टी एट टी इज इक्वल टू जीरो. द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर एम नॉट टी इज दिस. तो वी गेट ओनली वन टर्म टू. सो दिस द वैल्यू ऑफ न्यू टू इज टू. वी हैव न्यू वन इज वन विच इज ऑल्सो न्यू वन इज ऑल्सो नोन एज द मीन. दिस इज ऑल्सो नोन एज द मीन एक्स बार. क्लियर. मीन. एंड न्यू टू इज इक्वल टू टू. ऑल्सो वी हैव न्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू प्लस एक्स बार स्क्वायर. सो म्यू टू इज इक्वल टू न्यू टू माइनस एक्स बार स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ न्यू टू इज टू माइनस वन स्क्वायर. दिस इज वन. क्लियर. न्यू टू इज टू. वी हैव वेरियंस. तो इन दिस प्रॉब्लम वेरियंस इज वन एंड मीन इज ऑल्सो वन. क्लियर. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस प्रॉब्लम. ओके थैंक यू.